हेलो दोस्तों, कुक विद स्मिता में आपका स्वागत है। हमारे होममेड केक क्लास सीरीज के 10वीं क्लास में आज हम देखेंगे कि घर पर बहुत ही आसानी से डॉल केक कैसे बनाते हैं। अगर आप भी ये ब्यूटीफुल डॉल केक घर पर बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। डॉल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे केक स्पॉन्ज। मैंने यहाँ 3 कप केक प्रीमिक्स का यूज़ करके केक स्पॉन्ज बेक कर लिया है और इस तरह इस स्पॉन्ज के लेयर्स कट कर लिए हैं। मैंने पहले की क्लास में केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं और प्रीमिक्स का यूज़ करके केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये है डॉल केक मोल्ड। मैंने इस मोल्ड में केक स्पॉन्ज बेक किया है। अब हम केक की आइसिंग करेंगे। उसके लिए हम लेंगे केक बेस। अब उस पर थोड़ी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे जिससे केक आइसिंग करते वक्त हिलेगा नहीं, एक ही जगह पर रहेगा। अब उस पर केक की पहली लेयर रखेंगे। उसके बाद केक की लेयर को शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अब इस पर व्हिप क्रीम लगाएंगे। परफेक्ट तरीके से केक की आइसिंग के लिए क्रीम कैसे व्हिप करें और व्हिपिंग क्रीम रिलेटेड बहुत सी जानकारी मैंने आप सबके साथ हमारे पहले होममेड केक क्लास में शेयर करी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लें। अब क्रीम को पैलेट नैप की हेल्प से केक पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना रही हूँ इसलिए स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ किया है। आप अपने पसंद से कोई भी फ्लेवर दे सकते हो। अब क्रश को भी स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। अब सारे लेयर के लिए वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले स्पॉन्ज को शुगर सिरप से सोक करेंगे। उसके बाद इस पर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने से क्रीम एक समान लगती है और आइसिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसके बाद इस पर फिर से स्ट्रॉबेरी क्रश डालकर स्प्रेड कर लेंगे और फिर से वही सारे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। अब इस पर सबसे आखिरी लेयर रखेंगे। हमें इस पर डॉल केक टॉपर लगाना है। उसके लिए मैं यहाँ पैलेट नैप से पहले केक में थोड़ी जगह बना रही हूँ। इससे डॉल टॉपर बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब हमारे पास है ये डॉल टॉपर। इसे अब हम केक पर लगाएंगे। अब हम पूरे केक के साइड्स में भी क्रीम लगाएंगे। उसके बाद OHP शीट से केक की फिनिशिंग करेंगे। अब हम इस केक को सेट होने के लिए 20 मिनट फ्रिज में रखेंगे। 20 मिनट के बाद फिर से और एक बार क्रीम से कोटिंग करेंगे। मैंने यहाँ दूसरी कोटिंग के वक्त बेबी पिंक कलर की क्रीम का यूज़ किया है। आप अपने पसंद से कोई भी कलर की आइसिंग कर सकते हो। फिर से OHP शीट की हेल्प से क्रीम को स्प्रेड करके केक की फिनिशिंग करेंगे।
अब बारी आती है केक डेकोरेट करने की। मैं इस पर जो डिज़ाइन बना रही हूँ उसके लिए सबसे पहले हम केक पर मार्किंग कर लेंगे, जिससे सारी डिज़ाइन एक जैसी बनेगी। जिस तरह मैं मार्किंग कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह करना है। अब इस तरह से डिज़ाइन बना लें। उसके बाद अब हम केक पर डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ नूर 11 नंबर का नोज़ल लिया है, जो हम रोज़ बनाने में यूज़ करते हैं। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाएं। नोज़ल से ये डिज़ाइन बनाते वक्त अपने हाथ को थोड़ा इस तरह रखें। अब इसी तरह डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको केक बनाते समय कुछ भी डाउट या मुश्किल आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी परेशानी दूर करने की जरूर से कोशिश करूंगी। पहले हमने जो मार्किंग करके डिज़ाइन बनाई थी उसके बाहर ही हम डिज़ाइन बनानी। अब इसमें भी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 22 नंबर के नोज़ल का यूज़ किया है। इस डिज़ाइन के लिए मैंने डार्क पिंक कलर की क्रीम का यूज़ किया है। उसके बाद इसके बीच में भी पर्पल कलर की क्रीम से और एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये नोज़ल भी सेम डिज़ाइन का है लेकिन इसकी साइज़ उससे स्मॉल है। अब जो हमने सबसे पहले मार्किंग करके जो बॉर्डर बनाई थी उस पर भी ये डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद अब केक टॉपर पर भी डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ जितने हिस्से में डिज़ाइन करनी है उसे मार्किंग कर रही हूँ। अब फिर से सेम नोज़ल का यूज़ करके डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको केक बनाने के लिए मैं जो सामान यूज़ करती हूँ वो ऑनलाइन ख़रीदना हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारा सामान खरीद सकते हो। हमारा डॉल केक बनकर रेडी है। लग रहा है ना खूबसूरत? आप भी घर पर ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपका केक कैसा बना। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे आपके लिए और ऐसे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और आप नेक्स्ट कौन सा केक सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी हमारे होममेड केक क्लास अटेंड करके रेसिपी सीख सकेंगे। हमारे होममेड केक क्लास सीरीज के पहले क्लास में हमने केक की आइसिंग के लिए परफेक्ट तरीके से क्रीम व्हिप कैसे करते हैं वो सिखाया था। उसके बाद के दूसरे केक क्लास में हमने घर के सामान का यूज करके केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। तीसरे होममेड केक क्लास में हमने घर पर बहुत ही आसानी से जनरल केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं और उसका यूज करके केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। उसके बाद के चौथे क्लास में हमने घर पर चॉकलेट केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। पांचवे क्लास में हमने केक बनाने के लिए जरूरी सामान, उसका यूज, प्राइस और वो कहाँ मिलेगा, इन सब के बारे में डिटेल में बताया था। उसके बाद के छठे केक क्लास में हमने घर पर बहुत ही आसानी से परफेक्ट व्हाइट फॉरेस्ट केक कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। सातवें क्लास में हमने घर पर ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। उसके बाद के आठवें क्लास में हमने घर पर चॉकलेट ट्रफल केक कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। नौवे केक क्लास में हमने घर पर बहुत ही आसानी से ट्रेंडिंग पिनाटा केक कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। अगर आप भी पहले से हमारे सारे होममेड केक क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आपको ये सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
आप वहाँ से ये सारे वीडियोस देख सकते हो।